रिसर्च कहती है कि 2025 तक 8.5 करोड़ जॉब्स गायब हो जाएंगे ऑटोमेशन की वजह से। इसका मतलब ये कि कंपनीज अपने काफी सारे काम करवाने के लिए ह्यूमंस की जगह रोबोट्स का, मशीन्स का एंड सॉफ्टवेयर्स का यूज करने लगेंगी। बट रीसेंट टाइम्स में ऑटोमेशन की वजह से कई सारे नए जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले हैं चैटबॉट कॉपीराइटर्स, यानी जिन चैटबॉट्स के साथ हम वेबसाइट्स एंड ऐप्स के ऊपर इंटरैक्ट करते हैं, जो हमारी काफी सारी हेल्प करते हैं, उनको एक्चुअली प्री प्रोग्राम किया जाता है और उनको प्री प्रोग्राम करने वाले लोग होते हैं चैटबॉट कॉपीराइटर्स। दूसरे होते हैं हमारे रोबोट टेक्नीशियंस। आज की डेट में रोबोट सिर्फ हमारी रिसर्च लैब्स के अंदर ही नहीं, बल्कि रिटेल के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर काफी जगह होते हैं, और कभी इनमें कोई मैलफंक्शनिंग या प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको फिक्स करने वाले लोग होते हैं हमारे रोबोट टेक्नीशियंस। तीसरे होते हैं हमारे टेक एथिसिस्ट, यानी ये लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही है वो एथिकल वे में तो हो रही है, क्या वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन या बायस के साथ तो डेवलप नहीं हो रही है, आगे जाकर हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी, एंड इसके अलावा काफी सारे नए जॉब्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।